नेक्स्ट है हमारे पास हमारा सेकंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव, इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर डिफरेंट बेस क्वांटिटीज। तो फर्स्ट बेस क्वांटिटी है हमारे पास लेंथ। लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर कैलिपर। ये वर्नियर कैलिपर हमारे पास डायमीटर मेजर करने के लिए काम आता है। तो ये इसकी रेंज होती है 1 से लेकर 15 सेंटीमीटर, यानी कि ये 1 से लेकर 15 सेंटीमीटर तक का डायमीटर मेजर कर सकता है। इसके बाद हमारे पास एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है लीस्ट काउंट की। तो लीस्ट काउंट क्या होता है हमारे पास? लीस्ट काउंट इज द मिनिमम वैल्यू एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर। तो लीस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एक ऐसी वैल्यू होती है जिससे कम वो इंस्ट्रूमेंट किसी और वैल्यू को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकता, या उस इंस्ट्रूमेंट की इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं होती कि वो जो लीस्ट काउंट है उससे कम किसी भी वैल्यू को मेजर कर सके। तो अभी जब हमें लीस्ट काउंट की डेफिनेशन समझ में आ गई है, तो आए अब हम वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट देखते हैं। तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना है हमारे पास? 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर से कम वैल्यू को वर्नियर कैलिपर एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकता। यही दोनों इसकी लास्ट वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है जिसको ये एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। अब हम लेंथ के नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर भी सेम एज वर्नियर कैलिपर डायमीटर मेजर करने के लिए काम आता है, और इसकी रेंज है हमारे पास ऑल दी वैल्यूज अंडर 2.5 सेंटीमीटर, यानी 2.5 सेंटीमीटर के अंदर अंदर जो भी वैल्यूज आती है वो माइक्रोमीटर मेजर कर सकता है। तो माइक्रोमीटर की हमारे पास मिनिमम मेजरेबल वैल्यू या लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर या 0.001 सेंटीमीटर है, यानी कि इन दो वैल्यूज के बिलो माइक्रोमीटर एक्यूरेटली कोई और वैल्यू मेजर नहीं कर सकता। अच्छा, इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर का यूजेस हमारे सिलेबस में इन डिटेल एक्सप्लेनेशन है। तो इनके ही यूजेस की डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो आए अब अपने नेक्स्ट लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास मीटर रूल। मीटर रूल की रेंज एज नेम सजेस्ट सेवरल सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर तक होती है, यानी कि 1 मीटर या 1 मीटर से बिलो कोई भी वैल्यू होगी उसे मीटर रूल मेजर कर सकता है। और जहां तक इसके लीस्ट काउंट की बात है, वैसे तो इसका लीस्ट काउंट हमारे सिलेबस में नहीं है, मगर फिर भी मैं अगर आपको बता दूं तो इसका लीस्ट काउंट होता है 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। अच्छा, तो अगर हमें 1 मीटर से अबव लेंथ मेजर करनी है तो फिर हम क्या करेंगे? तो इसीलिए हमारे पास नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है मेजरिंग टेप। तो मेजरिंग टेप 1 मीटर से लेकर सेवरल मीटर तक मेजर कर सकती है। और सिमिलरली इसका लीस्ट काउंट हमारे पास क्या है? इसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर है। जैसे कि हमें मालूम है कि मेजरिंग टेप के हमारे घरों में भी बहुत सारे यूजेस होते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल कभी कभार हमें जब बॉल की लेंथ मेजर करनी होती है तो हम मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करते हैं। बहुत से टाइम आर्किटेक्चर के कामों में भी ये बहुत यूज होती है, और इसी तरह इसके बहुत सारे अलग अलग यूजेस हैं। मगर इससे भी एडवांस और इससे भी ज्यादा लेंथ मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास ट्रंडल व्हील। तो ट्रंडल व्हील की हमारे पास रेंज है 1 मीटर टू सेवरल किलोमीटर, यानी कि ये 1 मीटर से लेकर सेवरल किलोमीटर तक लेंथ मेजर कर सकता है। अच्छा, तो अब ये वर्क किस तरह करता है? तो यहाँ पर जो आपको व्हील दिख रहा है उसे हम किसी भी जगह जहाँ की हमें लेंथ मेजर करनी होती है वहाँ पर घुमाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हम व्हील बैलर चलाते हैं, इसी तरह हम इसे चलाते हैं। और जब इसका व्हील घूमता है और एक पूरी रोटेशन कम्प्लीट करता है तो एक टिकिंग साउंड ये प्रोड्यूस करता है। ये टिकिंग साउंड इंडिकेट करके हमने 1 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। और इसी तरह हम इसे रोटेट करा करा सेवरल किलोमीटर का डिस्टेंस इजिली मेजर कर सकते हैं। तो इसकी इस कैपेबिलिटी की वजह से इसे एक एरिया से दूसरे एरिया का डिस्टेंस नापने के लिए हम यूज करते हैं। इसके अलावा किसी भी रोड लेंथ मेजर करने के लिए इसे हम यूज करते हैं, और इसी तरह इसके भी बहुत सारे अलग अलग यूजेस हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट बेस क्वांटिटी है हमारे पास मास। तो सबसे पहले आप मास की डेफिनेशन देख लेते हैं कि मास की डेफिनेशन क्या होती है। तो मास क्या होता है हमारे पास? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इनसाइड एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज इट्स मास, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर अमाउंट ऑफ पार्टिकल या अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट को हम कहते हैं उस ऑब्जेक्ट का मास। अच्छा, तो अब मास मेजर करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी डिवाइसेज होती हैं? तो सबसे पहली डिवाइस है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डिवाइस है जिसके ऊपर हम कोई भी चीज रखते हैं, ये उसका मास मेजर करके हमें दे देती है। ये यूजुअली हम जनरल स्टोर्स के अंदर ये वाली डिवाइस देखते हैं जिसमें डिफरेंट ग्रोसरी आइटम्स को मेजर करके कस्टमर को बेचा जाता है। और इसी तरह हमारे पास एक और मास मेजरिंग डिवाइस है बीम बैलेंस। तो बीम बैलेंस एक ऐसी डिवाइस है जो हमारी प्रीवियस हिस्ट्री से अब तक बहुत ज्यादा यूज होते हुए आ रही है। तो इसका हमारे पास वर्किंग मैकेनिज्म कुछ ऐसा है कि फर्स्टली तो इसमें हम मास कंपैरिजन से मेजर करते हैं। एक साइड पे हम नोन मास रखते हैं और दूसरी साइड पे हम वो मास रखते हैं जिसको हमें मेजर करना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने 1 kg का नोन मास रख दिया और इसके दूसरी तरफ मैंने एक अननोन मास रख दिया।
तो अगर ये डिवाइस दोनों तरफ से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गई तो हम कंसीडर करेंगे कि जो अननोन मास है वो भी इक्वल है 1 केजी के। तो इसी तरह इसमें कंपैरिजन से हम मास मेजर कर लेते हैं। तो आए अब हम अपनी नेक्स्ट बेस क्वांटिटी की तरफ चलते हैं, टाइम। तो टाइम को मेजर करने के लिए जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है वो है स्टॉपवॉच। तो अब स्टॉपवॉच भी हमारे पास दो टाइप्स की होती है, एक होती है एनालॉग स्टॉपवॉच और एक होती है डिजिटल स्टॉपवॉच। तो एनालॉग डिवाइस कोई भी एक ऐसी डिवाइस होती है जो हमें अनप्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ रीडिंग देती है। तो उस रीडिंग को यूज करके और उसके बाद प्रोसेस करके हम अपने फाइनल आंसर तक पहुंचते हैं। मगर ऑन दी अदर हैंड अगर हम डिजिटल डिवाइसेस को देखें तो डिजिटल डिवाइस कोई भी एक ऐसी डिवाइस होती है जो रीडिंग को खुद प्रोसेस करके हमें फाइनल आंसर अपनी स्क्रीन पे शो करती है। तो सिमिलर टू एनालॉग एंड डिजिटल डिवाइसेस, एनालॉग स्टॉपवॉच हमारे पास एनालॉग डिवाइसेस की तरह काम करती है और डिजिटल स्टॉपवॉच हमारे पास डिजिटल डिवाइसेस की तरह काम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर अगर आप देखें तो एनालॉग स्टॉपवॉच ने यहां पर सिर्फ हमें रीडिंग पॉइंट करके दे दी है। तो अब हमें हर एक डिवीजन जो हमें इस स्टॉपवॉच पे दिख रही है उसे और इस रीडिंग को कंसीडर करके हमारा प्रोसेस्ड आंसर निकालना होगा। वाइल अगर आप डिजिटल स्टॉपवॉच को देखें तो डिजिटल स्टॉपवॉच रीडिंग खुद प्रोसेस करके हमें फाइनल आंसर अपनी स्क्रीन पे शो कर रही है। तो आए अब हम लीस्ट काउंट की तरफ चलते हैं। तो एनालॉग स्टॉपवॉच का हमारे पास लीस्ट काउंट क्या होता है, 0.1 सेकंड, और इसी तरह हमारे पास डिजिटल स्टॉपवॉच का लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेकंड। तो जैसे कि आप देख सकते हैं डिजिटल स्टॉपवॉच ना सिर्फ एक्यूरेट है इसके अलावा वो एनालॉग स्टॉपवॉच से भी छोटी वैल्यू को एक्यूरेटली मेजर कर सकती है। तो होपफुली यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। तो हमारा नेक्स्ट स्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।